हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो बी हेयर सॉल्यूशन। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेहंदी टोन हेयर के ऊपर। मेहंदी जो अप्लाई करते हैं कस्टमर्स, उनके हम कौन सा कलर कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, आपको बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। इक्वल टोन नज़र आ रही है हमारा आफ्टर लुक के, और बिफोर में कितना अनइवन कलर हो रहा है। यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारा बिफोर लुक है उसके अंदर ऑरेंज, कॉपर, ग्रे, ठीक है, एंड येलो, तीन चार टोन मिक्स होकर आ रही हैं, क्योंकि मेहंदी कभी सिंगल टोन नहीं देती, ठीक है। इसके बाद जो हम कलर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इससे पहले गाइज, मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए गाइज, मैं आपको कलर बताता हूँ कि कौन सा हम कलर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हमारे कस्टमर को बेस कलर नहीं चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने वॉर्म ब्राउन सीरीज़ मैजिकल की जो यूज़ की है वो करा है 4 नंबर बेस। उसके साथ ही हमने फैशन शेड इंक्लूड किया है 4.35 कलर, ठीक है। एंड जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 20 वॉल्यूम, 6% ऑक्सीडेंट। ये देखिए 4.35 एंड 4 नंबर और 20 वॉल्यूम ऑक्सीडेंट रहेगा। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे एप्लीकेशंस की है। यहाँ पे दो तरीके से एप्लीकेशन की है मैंने। सबसे पहले हमने रूट्स पे अप्लाई किया है। रूट्स की मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ कैसे करना है। हमारा 30% रहेगा 4 नंबर एंड 70% रहेगा 4.35 फैशन शेड, ठीक है। हम इसको टोटल जो हमारा मेजरमेंट होगा उसको हम बनाएंगे 30%, ठीक है, 30% टोटल कलर का रखेंगे एंड खाली रूट्स का सर, ओके, खाली रूट्स का जो हम स्कैल्प एरिया में अप्लाई करेंगे उसका रेशो क्या रखना है हमें, 1:5। टोटल जो हमारा परसेंटेज बनेगा 30% हमें यहाँ पे बनाना है, मतलब 30% हमारा 4 नंबर एंड 70% हमारा 4.35, ताकि हमारी डार्कर टोन ना लगे, ठीक है। हमारा रिफ्लेक्शन है फैशन शेड के अंदर ही स्कैल्प से होता हुआ। अगर हम डायरेक्ट 4 नंबर करेंगे तो एक नेचुरल बेस कलर ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 70% हमने फैशन कलर यूज़ किया है एंड 30% हमने यहाँ पे बेस कलर यूज़ किया है, जो हमारे ग्रे हेयर को भी कवरेज करेगा, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करना है, हमने जो कलर दूसरा बनाया है उसके अंदर बनाया है सिर्फ 20% 4 नंबर, ठीक है, सिर्फ 20% 4 नंबर एंड 4.35 हमने यहाँ पे यूज़ किया है 80%। ध्यान से सुनिएगा, 20% 4 नंबर एंड 80% हमने फैशन शेड यूज़ किया है यहाँ पे, मतलब जो हमारा 4.35 है, ठीक है, टोटल मिला के 100% हो गया। अब आप 1:5 का रेशो रखोगे एंड एप्लीकेशन आप करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी रूट्स में अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको रूट्स की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है बेस के साथ, ठीक है। बेस दोनों में इंक्लूड किया, लेकिन मैंने यहाँ पे परसेंटेज दोनों में ही चेंज कर दिए बेस की। एक जगह 30% रखा है, एक जगह 20% रखा है, ओके। अब आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है गाइज, बट ये है कि आपको अपने माइंड से चलना होगा, ठीक है। कोई बहुत सी जगह हमें 30% यूज़ करना पड़ता है बेस, 40%, 50% बेस ट्यूब्स यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। हमारा सारा यहाँ का गेम होता है माइंड का, ठीक है, हमारे कस्टमर के क्या रिक्वायरमेंट से कैसा टेक्सचर आया है, ठीक है, ऐसे हमें यूज़ करना होता है सब चीज़ें। वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके सामने जैसा टेक्सचर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड से सेट करोगे, हमें 30% बेस डालना है या 60% फैशन शेड डालना है, इस तरीके से आप, ओके। यहाँ पे बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है आपको बेस की, बेस एंड फैशन शेड, ठीक है। आपने दो कलर बनाने हैं, फर्स्ट आप लगाएंगे सबसे पहले रूट्स में। रूट्स के बाद गाइज, जब आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी उसके फ़ौरन बाद आप स्टार्ट कर देंगे जो हमें मिड टू एंड की लेंथ पर, जो हमने दूसरा कलर बनाया था 20% उसमें बेस था, मतलब 4 नंबर, 4.35 फैशन कलर था उसमें 80%, ओके। यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस कर रहा हूँ, आप फ्रंट से स्टार्ट कीजिएगा एप्लीकेशन। ये मैंने काफ़ी लंबी होने वाली थी वीडियो, सिर्फ एक दिखाने के लिए छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने ऐड कर रखी हैं। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके प्रॉपर समझ आ रहा होगा। गाइज, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली फ्यूचर की वीडियोस आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके उन वीडियोस का, ठीक है गाइज। ऐसे ही आपको प्रॉपर लेंथ पे कलर एप्लीकेशन करनी है। ये देखिए गाइज, ठीक है, रूट से हल्का सा, मतलब 2 इंचेस छोड़ के जो हमारी दूसरा कलर जो हमने बनाया है लेंथ के लिए उसको अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉपर एप्लीकेशन हो ही चुकी है हमारी। होने के बाद गाइज हमें जो टाइमिंग रखनी है वो रखनी है 40 मिनट्स, ठीक है। वैसे 35 मिनट्स होती है लेकिन 40 मिनट्स आप टाइमिंग रखोगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा, देखिए आफ्टर लुक कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा रिजल्ट है आफ्टर में। ओके, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइएगा चैनल से। ओके, मिलते हैं।